एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 2, ए बी सी डी इज ए रॉम्बस, पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रिस्पेक्टिवली, शो दैट क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल मेक अ फिगर, ए बी सी डी इज अ रॉम्बस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल मेक इट अ रॉम्बस, ए बी सी एंड डी इज अ रॉम्बस. ओके, देन मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी बी सी सी डी एंड डी ए आर पी क्यू आर एस, सो विल ज्वाइन दिस. ओके, वी हैव टू प्रूफ दैट द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन ए बी सी डी इज अ रोम्बस एंड पी क्यू आर एंड एस आर रिस्पेक्टिवली मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी सी डी एंड डी ए टू प्रूफ पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल. फर्स्ट ऑफ ऑल विल जॉइन ए सी. ओके, एंड जस्ट लाइक इन क्वेश्चन वन, हाउ वी हैव प्रूव्ड पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, विल प्रूव इट हियर ऑल्सो. सो वॉट विल डू इन ट्राइंगल ए डी सी, एस इज मिड पॉइंट, आर इज मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल. इन ट्राइंगल ए डी सी, ए डी सी मिड पॉइंट ऑफ दिस टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर एस एंड आर, देयर फॉर एस आर इज पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इज हाफ ऑफ ए सी. ओके, सिमिलरली इन ट्राइंगल ए सी बी, पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, सो पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू इज हाफ ऑफ ए सी. सो एस आर एंड पी क्यू आर इक्वल, एस आर एंड पी क्यू आर पैरेलल, देयर फॉर पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम. ओके, सो आई एम जस्ट राइटिंग वी दैट प्रूव पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम एज शोन इन फिगर क्वेश्चन वन. ओके, दिस यू विल डू. अगर ये क्वेश्चन आता है तो जैसे क्वेश्चन वन में किया है वो प्रूव करने के बाद जो करना है दैट आई शो यू. प्रूव पी क्यू आर एस और पैरेललोग्राम, इज इट क्लियर? एज शोन इन क्वेश्चन वन. ओके, देन हाउ विल प्रोसीड हियर, वी हैव टू प्रूव इट अ रेक्टेंगल. ओके, अ पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल इफ वन एंगल इज 90 डिग्री. ओके, सो विल प्रोसीड दिस वे. ये वाला पॉइंट ए है पैरेललोग्राम. वन मिनट, पी क्यू आर एस अ नाउ इन ट्राइंगल ए पी एस. ओके, इन ट्राइंगल ए पी एस. ओके, सपोज वी नेम दिस एंगल्स, दिस इज वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री, दिस इज फोर. ओके, इफ ए बी सी डी इज ए रोम्बस, ए बी सी डी रोम्बस दे रखा है तो इसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी. ओके, सो ए बी इक्वल्स टू ए डी, तो उसका हाफ भी इक्वल होगा. तो ए पी इक्वल्स टू ए एस, वी कैन राइट एज ए बी, सिंस ए बी इक्वल्स टू ए डी, सो हाफ ए बी इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ ए डी. ए पी इक्वल्स टू ए एस, अगर ए पी और ए एस इक्वल है इस ट्राइंगल में, ए पी और ए एस इक्वल है मतलब ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे. तो एंगल वन इक्वल्स टू एंगल थ्री. सिमिलरली दूसरे इधर वाले ट्राइंगल में बी पी और बी क्यू इक्वल होंगे तो एंगल टू इक्वल्स टू एंगल फोर. ओके, अब इन ट्राइंगल ए पी एस, एंगल वन प्लस एंगल थ्री प्लस एंगल ए इक्वल्स टू 180 डिग्री. यहां हम लिख सकते हैं एंगल वन और थ्री इक्वल है तो टू टाइम्स एंगल वन प्लस एंगल ए
इक्वल्स टू 180 डिग्री, ओके, और 2 टाइम्स एंगल 1 इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल ए, ओके. देन सिमिलरली फॉर द अदर ट्रायंगल, 2 टाइम्स एंगल 2 प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, और एंगल बी इक्वल्स टू 180, और 2 टाइम्स एंगल 2 इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल बी, ओके. नाउ वहां पे हमारा जो रिलेशन आया था 2 टाइम्स एंगल 1 इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल ए, और 2 टाइम्स एंगल 2 इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल बी, एडिंग दिस टू, ओके, एडिंग 1 एंड 2, ओके, दिस इज 2 एंड दिस इज 1. तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स एंगल 1 प्लस 2 टाइम्स एंगल 2 इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल ए प्लस 180 माइनस एंगल बी. तो 2 टाइम्स एंगल 1 प्लस 2 टाइम्स एंगल 2, 180 प्लस 180 इज 360 माइनस एंगल ए प्लस एंगल बी. नाउ सिंस एबीसीडी इज ए रोम्बस, एबीसीडी अगर रोम्बस है तो एंगल ए प्लस एंगल बी की वैल्यू होगी 180 डिग्री. तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स एंगल 1 प्लस 2 टाइम्स एंगल 2 इक्वल्स टू 360 माइनस 180, ओके. अब दिस कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180, और एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 90, ओके. अब यहां पे अगर हम देखें तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल पी ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज 180, ओके. सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल एस पी क्यू इक्वल्स टू 180, और एंगल 1 प्लस एंगल 2 है 90, तो एंगल एस पी क्यू क्या हो जाएगा 90. दिस इज वॉट वी हैव टू प्रूव दैट इफ इन ए पैरेललोग्राम 1 एंगल इज 90 डिग्री, फिगर विल बी ए रेक्टेंगल, ओके. सो हेंस पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल, ओके, हेंस प्रूव्ड.